मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ, मस्त सी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी भाई। सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए, निकलने पड़े भाई। मैं टोनीमल, टोनीमल की चाची, टोनीमल की माँ, सारे एक साथ निकल के जा रहे हैं भाई सीधा मंडी। गुस्सा कितना आ रहा है उसको, गुस्से का तो पता नहीं, पहली बार भी चिल्लाया नहीं भाई, नहीं तो रोना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम जा रहे हैं भाई सीधा सीधा मंडी सब्जी लेने और कुछ फ्रूट्स लेने के लिए। भाई सीन कुछ ऐसा है, मनीत भी भाई दिल्ली जा रही है और कुछ दिन मम्मी के साथ रहने वाली है, और मम्मी चाह रही है टोनीमल के साथ रहना थोड़े दिन के लिए, तो इसलिए भाई फ्रूट्स दिल्ली के लिए भी चले जाएंगे और आगरा के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि दादी वादी भी खा लेती है, इवन पापा भी खा लेंगे, और इवन सब्जियां वब्जियां भी लेके रख देते हैं भाई, भर देते हैं घर में ढंग से। और सुबह सुबह मनीत भी तैयार होकर निकल पड़ी है भाई, क्या चक्कर है? और क्या यार, तो होने ही नहीं दिया जी के मार मार के घर से बाहर निकाला है। नहीं, लेट करते बहुत है, मंडी बंद हो जाती, क्या फायदा फिर जाने का है कि नहीं? टाइम से निकलो, टाइम से करो काम और टाइम से लौट के आओ। अब ऐसे ही मुझे मंडी में कौन देख रहा है? ये बात भी सही है। और एक बात तो मैंने आपको बताई है सीक्रेट, मंडी में जितने मतलब पुराने टाइप के कपड़े पहन के जाओ, फटे पुराने, उतना सस्ता मिलेगा। छेद कर लू, छेद कर लेती, ठीक है। मैं देखो इसका वो चलेगा भी ज्यादा, पता है, फटे हुए कपड़े, इसके भी फटे हुए हैं, हाँ इसके भी फटे हुए, पर इसे देखे कोई सस्ता नहीं देगा कसम से। ये अलग से पहचान में आया था भाई, अंग्रेजों की औलाद है। ओए ओए ओए, इतना गोरा चिट्टा भाई। टोंडी चाची ऐसा नहीं। तो सुबह सुबह हम बेड़े खाने आ चुके हैं भाई टोनीमल के साथ, और टोनीमल ने भाई अभी बेड़े छू ली थी भाई गरम गरम, जस्ट अभी सिक्की आई है जैसे कि आपने देखा ही भाई, इसे बचाना पड़ता है फटाफट। नहीं मिलेगा तेरे को यार, नहीं देना इसको। सबसे पहले तो हमने पेट पूजा कर ली और यहाँ हमने ले लिया टमाटर भाई। पता नहीं आपके यहाँ क्या रेट आ रहे हैं टमाटर, लेकिन मैं बता दूँ हमारे यहाँ मंडी में काफी सस्ते हो रखे हैं इस वक्त। मतलब जब मैं डेली में परचेज कर रहा था तब 100 रुपीज के जी मिल रहा था टमाटर, और यहाँ 50 रुपीज के जी है भाई, मतलब जस्ट हाफ रेट। मैं तू कितने रुपए का टमाटर लेके आई थी? हाँ 40 के हाफ के जी, 80 रुपए किलो, तो ये सस्ता मिल रहा है ना, 50 रुपए में 1 किलो है ना सस्ता। हाँ भाई मनी टमाटर धुलवा के लेकर आई है, क्योंकि भाई टोंडीमल ने टमाटर देख लिए पीछे इतने सारे, और टोंडीमल के भाई टमाटर बहुत फेवरेट है, तो इसे टमाटर चाहिए। बहुत देर से नौटंकी कर रहा था भाई टमाटर के चक्कर में, अभी तो ऐसे गाड़ी के साथ खेल लग गई तो चिल्ला चिल्ला रहा था बहुत। बुला रही है, ये लो पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, इसे टमाटर दो। टमाटर ले, टमाटर टमाटर लेगा, ले लेगा टमाटर। देखो अब टमाटर से कितना खुश हो जाएगा ये इसका भी रेड कलर फेवरेट है, अभी खा नहीं सकता लेकिन उसके साथ खेलता रहेगा पूरा टाइम। तो भाई मौसमी भी ले लिया और आम भी लिए भाई बहुत सारे, पूरी पेटी भर के भाई। मैंगो तो मंडी आओ तो लेना बनता ही है, और इस बार बहुत सारे आम लिए, और इस बार दूसरी वैरायटी ली है आम की भाई। चलो भाई बैठते गाड़ी के अंदर। टोनी मैंगो खाएगा, ओले वो टमाटर सारा गेट पे घिस दिया उसने, घिस दिया क्या उसने, मेरा ये सब कुछ गंदा कर दिया। अच्छा भाई, अरे बाप रे, मेरे मुंह हाँ। ना अभी लेते नारियल चाहिए, चलो चलो। तो भाई हम जा रहे हैं सबसे पहले टोनीमल की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स घर छोड़ देते भाई, मनी थोड़ी सी वेजिटेबल्स बना भी देगी ताकि वो पापा को काम आ जाए खाने के लिए, शाम के लिए भी और कल के लिए भी। तो बाकी अपन आज आराम से निकल जाएंगे, इसके बाद थोड़ी बहुत देर में दिल्ली की तरफ वापस। जैसे कि आपको पता है कल मैंने बताया था ना, हम आज ही आज रिटर्न भी कर लेंगे बेसिकली।
बस टोनी मल की वैक्सीनेशन होनी है, करवानी है। हाँ इसको पता ही नहीं चलता इसकी वैक्सीनेशन हो जाती है, बड़े प्यार से इंजेक्शन लाते हैं वो। जैसे तो जिया जी एम आर है, आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा भाई, अनंत और गणेश को बहुत देखा होगा आपने वीडियोस में, हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगा भी आज अगर वो मिले तो। बाकी चलते हैं टोनी मल के इंजेक्शन लगवाने के लिए उन्हीं के पापा के पास, मतलब कि मेरे जिया जी के पास। चले टोनी, तो हम वैक्सीनेशन हॉस्पिटल लेने पहुंचे तो सही, लेकिन वैक्सीनेशन ही अवेलेबल नहीं है। और देखो भाई हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ये भी सो चुका है भाई, इसे कार के अंदर आती नींद आ जाती है भाई। और नॉर्मली ज्यादातर छोटे बच्चों को ना कार में आती नींद आ जाती है, झूठे रखते ना हिलते डुलते रहते तो नींद जल्दी आती है। बाकी अब वैक्सीनेशन तो मिल नहीं रही है, वैक्सीनेशन का इंतजार करना पड़ेगा। बस प्रे करता हूँ आज ही वैक्सीनेशन मिल जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं एक डेढ़ घंटे बाद आ जाना तब ले लेना। तो वैक्सीनेशन अगर मिल गई तो फिर शाम को चले जाएंगे आराम से, अगर तो अगर वैक्सीनेशन मिल गई तो शाम को चले जाएंगे आराम से वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। फिर ऐसे ही कल की तरह लेट नाइट निकलना पड़ेगा आज भी, उसके बाद इंजेक्शन लगवाने के बाद। कोई नहीं चलो निकल जाएंगे, वैक्सीनेशन भी होना ज़रूरी है भाई बेबी की। अगर वैक्सीनेशन मिल जाती तो हमारे आराम से निकल जाते 5-6 बजे लगभग। सो भाई वैक्सीनेशन ढूंढ के ले आई है भाई सुप्रीत दी, नहीं तो हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होता। चलो भाई मिल गई फाइनली, चलते हैं सीधा। चलो भाई मिल गई फाइनली, अब चलते हैं सीधा भाई जिया जी के पास। सुप्रीत दी परेशान बहुत होना पड़ता रही तो। चलो बढ़िया है, वो जिया जी ये बता रहे थे कि उनको जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं ना उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो बहुत ज़्यादा लेट आते वो। अब मौसम भी बिगड़ा हुआ लग रहा है, सही कह रही है सुप्रीत दी, पर अपने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो गाड़ी से जाना है। पहले फटाफट पहुँचते जिया जी के पास। तो भाई एक चीज जस्ट अभी पता चली भाई, टोंडी मल को जगाना पड़ेगा भाई वैक्सीनेशन लगाने के लिए। सोते सोते वैक्सीनेशन नहीं लगती भाई बच्चों को, जगा के लगती है भाई। इवन मालिश वालिश भी होती तो जगा के होती है भाई, सोते सोते मालिश नहीं की जाती। ये कुछ यूनिक पता चला भाई आज। बाकी चेक ले, बाकी चलते टोंडी मल को लेके इंजेक्शन लगवाने के लिए। अब तो ये रोएगा पक्की बात है, वैसे नहीं रोता पता नहीं चलता इसे। इसके साथ पता क्या होता है, ये सोता अपने घर में, पहुंचता दूसरे घर, दिल्ली में सोया आगरा में उठा सीधा जाके, बड़ा डिफरेंट है। और भाई क्या हाल है, कैसे हो? देखे देखे से लग रहे थोड़े। आज पढ़ाई करते हुए अच्छा कैप्चर हो गया। ओहो पढ़ाई भी करता है। पहली बार पढ़ रहा था। वो छुप भी गया। भाई कहाँ तेरा? हाँ? भाई है कहाँ पर तेरा? क्यों? कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है वो? मेरे को नहीं पता। तो नीचे क्यों छुप गया है तू बाहरा? मेरे को नीचे सीक्रेट पढ़ना है। ओहो भाई इसने अपनी सीक्रेट तिजोरी रखी हुई नीचे। ओ हेलो क्या हाल है? मस्त। ये देखो दो कजन्स का भरत मिलाप हो रहा है। गले मिलो, गले गले मिलो, पारी पारी कर दो, ले ले हम पारी कर दो, पारी पारी कर दो, इसको पारी करने आगे, पारी कर दो भाई तू लगा यार, अगे डर में भाई। अरे क्या हो गया? अरे मैं नहीं दिखाऊंगा किसी को भी, ये अपने लिए बना रहा हूँ पर्सनल बस। अरे उससे तो मेरे भरत मिलाप नहीं करेगा, भाइयों भाइयों का आजा, ये ले हक कर दे, हक कर दे उसे, छोटे को हक कर दे। ये मम्मी को फीवर, उनको फीवर, मुझे भैया है, भैया भैया है, भैया ऐसी मैं भी छोटा हुआ करता था, मेरे कजन भाई आगे मुझे परेशान करते थे भाई। कोई गाल खींच रहा, कोई कुछ कर रहा है। एक बार और, वन मोर, वन मोर, एक बार और गाल ऐसे ऐसे करना। हाँ वाह वाह वाह, मेरे बच्चों को इम्यूनिटी प्रूफ। मैं तो जाने वाली हूँ दादी का नसीब में अपने भाई के, उनके साथ ही लहरा। बस थोड़ी देर और, टोंडी मल के गाल बड़े होने वाले हैं। और जान का चिक्का, नाम तो सुनो, जान का चिक्का।
टोटी वर्क का नया नाम जान का चिक्का रिकॉर्ड कर दे जान का चिक्का डेट मत करो ना ओहो जान का टुकड़ा बोल रहा है मामा और देख कौन है विची तू इंजेक्शन ले लेता है हाँ ले लेता आराम से बिल्कुल डरता नहीं है टोटी वर्क डरेगा बाकी देखते हैं भाई अभी इंजेक्शन लगा रहा है टोनी बल के ये कौन सा प्यार हो रहा है भाई सो टोनी बल का वेट होने वाला है भाई जीरो पे नहीं जीरो पे नहीं है साढ़े नौ साढ़े आठ किलो हमारे भी सिर्फ साढ़े आठ किलो का भाई मैं तो सोचता था ज्यादा भारी है मतलब अपने आठ बैटरी बैकअप के बराबर एक बैटरी बैकअप एक किलो का होता है तो आठ बैटरी बैकअप बस अब दो यार टूटने पर थोड़ा तो भारी होता हो खाता नहीं है तू ढंग से खाएगा तू देख रहा ऊपर क्या क्या बना हुआ है ओहो भाई ये तो रोया ही नहीं बिल्कुल आगे बराबर रोया बस दो सेकंड के लिए ओहो इसको पता भी नहीं चला वैसे देखो छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे हैं भाई इसको बाहर लेके आना पड़ता है भाई घुमाने के लिए जैसे ही बाहर घूमने आता है रोना बंद कर देता है बाहर घूम के खुश है और बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें देख रहा है आराम से सिर्फ थोड़ा सा ही रोया ज्यादा नहीं क्या बात है टूटी तू तो शेर पुत्र है तो वैसे तो कुछ लोग जानते होंगे अरे रुक तो जाओ अरे रुक तो अरे रुको तो सही बोल तो ले दो सो वैसे तो कुछ लोग जानते होंगे ये मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है इसका नाम है क्वींसेस और वैसे क्वीन दीदी जो है ना संभाजी नगर रहती थी और इनकी शादी ना मैंने करवाई थी पक्का आगरा में मैंने बोला था आगरा में शादी कर लो फिर इतना प्यारा बच्चा हुआ एक पहला फिर एक ये प्यारा बच्चा और हुआ मैं छोटा बहुत था मैं वो पिक्चर भी दिखाऊंगा साइड में दिख रही होगी भाई बड़ा क्यूट दिखता था उस टाइम पे जब इनकी शादी हुई बहुत मस्त है ना वो अभी तक पड़ी मेरे पास हाँ मैंने करवाई थी मैंने बोला ना आगरा में शादी कराओ हाँ मैं पैसे दिए अलग से बोलने को तेरे को पैदा होने से पहले लगता था मेरा बाल मेरा साला हर जगह मुझे फेमस करेगा यूट्यूब वाले पेशेंट आएंगे ये तब पैदा भी नहीं हुआ था भाई सबसे बड़ा भतोड़ा तो ये है भाई बहुत बातें मारता है हाँ ये जो सोन करते हो यूट्यूब मेरे को भी ऐसे बनाना है यूट्यूब तू भी यूट्यूब चैनल बनाएगा चल फिर हम दोनों साथ में घुमा करेंगे डन वर्ल्ड वाइड यूट्यूबर बनना है ना उसे भाई वैसे एक बात तो है सारे यंगस्टर इस पर यूट्यूबर बनना चाहते हैं पर लेकिन गलत भी है भाई थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई कर ले फिर उसके बाद बस ज्यादा नहीं ग्रेजुएशन तक बस कॉलेज तक उसके बाद पर थोड़ा थोड़ा सिखा दूंगा पर वो करना तभी जब पढ़ाई हो जाए उसके बाद ओके डन जब मैं छोटा होता था ना बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखता था एंटीना के साथ भाई मस्त क्यूट दिखता था बहुत इसी की तरह सो भाई बाय बाय कहने का टाइम आ गया है और मैंने एक चीज नोटिस करी वैसे वो जो गाय माता थी ना वो इधर थी क्वीन दीदी के घर पे जब भी आया हूँ तब गाय माता हमेशा मुझे यहाँ मिलती है एक बार तो भाई स्पेशल एंट्री हो चुकी थी लोगों के अंदर याद है जब मनीत पहली बार आई थी हाँ मैं तो बाहर ही खड़ा था बाकी सब अंदर एंटर भी कर गए और टोनी मल बाहर था मेरे साथ चलो भाई चलते हैं अब घर की तरफ लग गया इंजेक्शन होगी रात चले बाय बाय कर दे भैया को बाय बाय कर दे टाटा कर दे टाटा टाटा टुकड़ा कौन है ये हुकुम का एक का मैं तेरी रानी तू मेरा हुकुम का क्या ही क्या नाम है इसका क्या गाना बोला है इसका बाय गने बाय बाय शर्मा रहा भाई कैमरा कॉन्शियस ज्यादा है हमारे कोई नहीं चलो बाय बाय हमारा टोंडी मल कैमरा कॉन्शियस नहीं है बाय बाय बाय
हाँ 21 ये कैमरा कॉन्शियस नहीं है बिल्कुल भी है ना वो पैदाइश तो देखा उसको ये रोज कैमरा के साथ डील करता रहता है इसे फर्क नहीं पड़ता भाई सच्ची पर अच्छा है भाई मेरे को पहले पहले बहुत शर्म आती थी अब तो नहीं आती बेशर्म बन गया हूँ मैं सो वापस पहुंच चुके हैं घर और निकाल रहे हैं भाई जो गाड़ी से हम आए थे दिल्ली से उसी को वापस बाहर क्योंकि इसी से हम ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर लॉन्ग रूट पे तो इसी को वापस लेके जा रहे हैं और पापा की कार वापस अंदर लगा देंगे भाई सो भाई निकल रहे हैं घर से वापस दिल्ली के लिए और जिस कार से हम दिल्ली से आए थे उस कार को बाहर निकाल रहे हैं बाकी आगरा की गाड़ी को अंदर लगाते हैं वापस जिससे हम सुबह से घूम रहे थे मंडी वंडी गए थे इलेक्ट्रिक कार मैं जा रहा नेपाल का बड़ा कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा सभी जल्दी आओ ठीक है चले भाई चले चलो चलो भाई वापस निकलने तैयार है और दादू टोंडी मल को छोड़ने आया भाई बाहर तक वैसे दादू को छोड़ने ही हम स्पेशली आए थे लेकिन पापा के सामने बहाना बनाया था टोंडी मल की वैक्सीन लगनी है वैक्सीन तो वैसे दिल्ली लग जाती भाई चलो कोई नहीं आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई लेट मत करो और मैं आपको ये बता दूं सुबह जो हमने फ्रूट्स लिए थे ना उसकी खुशबू बहुत ज्यादा हो रखी है गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा है किसी ने एयरबैग लगा रखा गाड़ी के अंदर वो भी मैंगो फ्लेवर का सामान तो नहीं रखा सारा आमों के ऊपर मुझे नहीं लगता आम के ऊपर मैंने कुछ भारी चीज तो नहीं रखी है नहीं छोटू सिंह रह गया पापा उसको तो लेके आओ उसके बगैर कैसे जाएंगे गाइस मैं ना वीडियो व्लॉग वीडियो नहीं बना रही क्योंकि अर्ची का आने वाला तो फिर मैं फिल्म कंटेंट क्या बनाऊंगी ये बेईमान है भाई बेईमान भाई ओ भाई साहब बड़ी तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है बाकी इससे पहले ना बिजली बहुत तगड़ी तगड़ी कड़क रही थी भाई और खतरनाक लग रही थी ऐसा लग रहा था पहाड़ मतलब ऐसा लग रहा था आसमान के पीछे दरार आ गई है जस्ट अभी भी कड़की भाई ये देखो और बहुत तेज तेज बाप रे कहाँ अड़क रही है दिख नहीं रही मुझे खड़क रही है खड़क बिजली खड़क रही है खड़क सिंह हाँ खड़क अरे खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ हाँ वही वाला सीन भाई ये ट्रक क्या कर रहे हैं ये ट्रक एक दूसरे चिपक के चल रहे हैं उनको प्यार हो गया सीरियसली जैसे आपको हुआ था ना बस ये बंद के चल रहे हैं दूसरे से भाई समझ में आई कहानी और ये मेरी बातों को इग्नोर करते हुए क्या हुआ क्या बोला था कुछ तो बोला होगा प्यार व्यार की बात कुछ बोल रहे थे देखो हमारी अरेंज मैरिज हुई है उसमें प्यार नहीं होता है शर्मो शर्मी में लोग दूर दूर खड़े होते हैं फोटो तक खिंचवाने में शर्मो शर्मी दूर खड़े होते हैं भाई दूर ही खड़े होते हैं सच्ची क्या बात कर रहे हैं सुन रहे हो आप हाँ सुन रहे हो भाभी अरे हाँ भाई अरेंज मैरिज शर्म ना चाहिए फ्लावर्स की बारिश ये पुरानी बात है सॉरी 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 सॉरी
पहुंच चुके हैं घर और सही टाइम पे पहुंच गए हैं भाई। 11:30 बज रहे हैं, ज्यादा लेट नहीं हुआ, नहीं तो पता है रात को ट्रैवल करते करते हमेशा मैं लेट ही हो जाता था। तो ऑन टाइम पहुंच चुके हैं भाई। बाकी सुप्रीति आ रही है ऊपर लिफ्ट से, भाई सामान बहुत सारा था तो उन्हें एक लिफ्ट दे दी, एक लिफ्ट से मैं आया हूँ। क्या तरीका भाई, ये क्या यो हो रहा भाई, सामान सामान कटो सामान कटो सामान इतने सामान कटने वास्ते लेके आए थानू, सामान सामान खाने के लिए लेके आया, खाने के लिए लेके आया सामान। अबे रुकना तोंडी यार, तू भी मदद करा दे थोड़ी, तू मोबाइल पकड़े बैठ जा। और ले 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 पापा के पास पहुंच गया, आशीर्वाद तो ले, कब लिया नहीं, सिर्फ मठा टेका, आशीर्वाद नहीं लिया। ये जो आशीर्वाद लिया गया वो वीडियो के लिए, पहले एक आशीर्वाद ले लिया गया था भाई, फिर मैंने से स्पेशली बोला कि एक बार आशीर्वाद तो ले, तो फिर उसका लिया भाई। फिर मम्मी ने आशीर्वाद ही पूरा ढंग से दिया है, दूधो ना भूतो फलो, अब मुझे भी दो। सो भाई रात को तो मैं घर पहुंच के थक के सो गया था भाई, सुबह सुबह उठा और मैं वीडियो पूरी एडिट करके जस्ट अभी देखा भाई, मैं तो वीडियो एंड करना ही भूल गया था, तो फटाफट एंड कर देते हैं। उससे पहले पहले मतलब मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया, मैं जा कर रहा हूँ, हम जाने वाले हैं, मतलब मैं और मोहित भाई जाने वाले हैं मेरे साथ, हम जाने वाले हैं नेपाल के लिए भाई। और इस वीडियो के अंदर आपको पता लगा, वैसे इससे पहले मनीत ने राज खोल दिए थे भाई, मैं सोचा था थोड़ा हाइप बता के फिर ढंग से बताऊंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपन निकलने वाले 31st या 30 को निकल जाएंगे दिल्ली से भाई, और नई ट्रिप पे फिर काफ़ी ज़्यादा मज़े करेंगे भाई। हम नेपाल में जा रहे हैं और वही बनबासा वाले साइड से, ये वाला साइड हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था, ना मेरी फ्रेंड्स ना मैंने। और टोंडी मल भी हमारे साथ जा रहा है क्या, बड़ा खेल रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही होंगी आपको, आ हा। चलो ये भी जा रहा है हमारे साथ, वो वीडियो में आगे आपको पता जाएगा। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, कल सुबह हम एक बहुत खूबसूरत जगह पे जाने वाले हैं, जितने भी अपने हमारे देश के देशभक्त होंगे ना उनको बहुत जगह पसंद आएगी। बाकी कल वाली वीडियो में देखना, वो मतलब अभी थोड़ी देर में हम जा रहे हैं और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा।